हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 10, जिसमें बात करी गई है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी कि डाक टिकट और स्टेशनरी की। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली डन बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी आमतौर पर डाक टिकट का प्रयोग डाक के भुगतान के लिए किया जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई चिट्ठी भेजते हो और उस पर डाक टिकट लगी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पेमेंट है डाक का एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो आपने पे कर दिया। और किस तरीके से पे किया है? पोस्टेज स्टैम्प्स लगाकर, ठीक है, उसका भुगतान कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब वो समझेंगे। पोस्टेज स्टैम्प्स आर इशूड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी डाक टिकट जारी करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास है, जो कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। ओके, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स हैं वो हर कोई जारी नहीं कर सकता, हर कोई इशू नहीं कर सकता है। इसकी अथॉरिटी कि आप डाक टिकट को जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास है। और ये अथॉरिटी किसने दी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को? तो ये दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो इशू स्टेशनरी आइटम्स लाइक एनवलप, इनलाइन लेटर, कार्ड, पोस्ट कार्ड्स विद वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैम्प्स इम्पोस्ट ऑन देम, यानी कि डाकघर लेखन सामग्री के कुछ मदे जैसे कि लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड भी जारी करता है। इन पर अपेक्षित मूल्य के डाक टिकट पहले से ही उभरे हुए होते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एनवलप है, तो उस पर ऑलरेडी 5 रुपीज की टिकट है ना। यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा इनलैंड लेटर कार्ड, तो यहाँ पे भी आपको टिकट दिखाई दे रही है, ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कार्ड है, तो ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पे टिकट लगी हुई है। ठीक है, तो जो डाकघर है वो इस तरह की स्टेशनरी जारी करता है, जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड या फिर एनवलप, जिन पे ऑलरेडी पोस्टेज स्टैम्प्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इफ पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन द इम्पोस्ट पोस्टल स्टेशनरी मोर देन वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स प्रिंटेड ऑन आर्टिकल, देन एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी अफिक्स्ड ऑन इट। यदि ऐसी सामग्री पर अधिक डाक प्रभार की जरूरत हो, तो कमी को अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर पूरा किया जा सकता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये सपोज करिए हमें कहीं चिट्ठी भेजनी थी, तो हमने देखा कि एनवलप पे 5 रुपीज की टिकट तो ऑलरेडी लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमें तो चिट्ठी दूर भेजनी थी और हमें ज़्यादा स्टैम्प्स लगाने थी। ठीक है, तो जितनी कमी है, मान लो हमें 40 रुपीज़ की स्टैम्प्स लगानी है, 5 रुपीज़ की ऑलरेडी लगी हुई है इस पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, 35 रुपीज़ की और स्टैम्प्स इस पे लगा देंगे और हमारा जो अमाउंट है पोस्टेज का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ तो उस पे स्टैम्प्स ऑलरेडी उभरी हुई होती हैं, लेकिन अगर तब भी डाक प्रभार की कमी होती है, ज़रूरत हो हमें और स्टैम्प्स लगाने की, तो हम क्या करेंगे, उस पे अतिरिक्त डाक टिकट चिपका कर उस कमी को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रिवेन्यू स्टैम्प्स यानी कि राजस्व टिकट, यहाँ पे इमेज दी हुई है, रिवेन्यू स्टैम्प कुछ इस तरह की दिखती है, रेड कलर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सेल बाय पोस्ट ऑफिस, नॉट इशूड बाय पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हमने पढ़ा कि पोस्टेज स्टैम्प्स है उसे इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ पोस्ट ऑफिस के पास है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो रिवेन्यू स्टैम्प्स हैं वो सिर्फ सेल करता है पोस्ट ऑफिस, उन्हें इशू नहीं करता, उन्हें जारी नहीं करता। ठीक है, ये टिकट केवल डाकघरों में बेचे जाते हैं, लेकिन डाकघर द्वारा इन्हें जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर के आसपास कोई दुकान होती है, ठीक है, वहाँ से आप नहाने का साबुन, चीनी, चाय पत्ती खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, ठीक है, बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो दुकानदार सिर्फ बेचता है लेकिन उन चीज़ों को बनाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास शॉप है तो जो आदमी साबुन बेच रहा है वो साबुन की फैक्ट्री भी हो उसकी और वो साबुन बनाता हो, जो टॉयज़ बेच रहा है ना उसकी टॉय फैक्ट्री भी, टॉयज़ बनाता भी और बेचता भी, ऐसा नहीं है। तो सेम वे इस पॉइंट को और इस इमेज को देख के आपको क्या याद रहेगा कि डाकघर रिवेन्यू स्टैम्प्स बेचता है पर उन्हें बनाता यानी कि इशू करता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रिवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी पूछा जाए डायरेक्ट कि कौन इशू करता है रिवेन्यू स्टैम्प्स को, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि कौन जारी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, आपको हमेशा याद रखना है कि रिवेन्यू स्टैम्प्स का उपयोग कभी भी डाक प्रभार के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है कई बार, ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिर कुछ स्टेटमेंट दिए हो सकते हैं रिवेन्यू स्टैम्प्स के बारे में, आपको पता करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब जब मैंने बात करी कि रिवेन्यू स्टैम्प्स को यूज़ नहीं किया जा सकता फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, तो ऐसा क्यों है, है ना, उसे क्यों नहीं यूज़ किया जाता, अब ये समझेंगे। पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि जो डाक टिकट है वो ये परिभाषित करते हैं कि सेंडर द्वारा भुगतान
की गई जो राशि है वो दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं रिवेन्यू स्टैम्प्स यानी कि राजस्व टिकटें, उनका उपयोग किया जाता है कानूनी उद्देश्यों के लिए यानी कि लीगल पर्पस के लिए, और उन्हें कानूनी रसीद के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जांपल उन्हें यह समझा जाता है कि हमने गवर्नमेंट को फीस दी है या टैक्स दिया है। इसलिए जो रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं उनका इस्तेमाल कभी भी डाक भुगतान के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा किस लिए यूज़ होती हैं, ये कानूनी उद्देश्य यानी कि लीगल पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पोस्टेज चार्जेस यानी कि डाक शुल्क। पोस्टेज चार्जेस ऑल्सो पेड बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर इंप्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, यानी कि डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के उचित छापों के माध्यम से भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, समझने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, तो अब उस वर्ड को समझते हैं कि वो क्या है। वो है फिलैटलिक, ठीक है। इट इज़ द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, यानी कि इस शब्द का अर्थ होता है डाक टिकट इकट्ठा करने का कार्य एवं उसका संग्रह करना, ठीक है। इट इज मेड फॉर स्टैम्प्स लवर्स कॉल्ड फिल एट लिस्ट, ठीक है। यह डाक टिकट प्रेमियों के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे ट्रिक टू रिमेम्बर है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोग स्टैम्प्स लवर होते हैं, जिन्हें शौक होता है, जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं फिल एट लिस्ट, ठीक है। ये एक पूरा वर्ड है, लेकिन हमने इसे तीन पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि हम याद करें। एक ट्रिक के साथ ये है कि फिल नाम का एक लड़का था और उसने वो लिस्ट खा ली जो उसकी मम्मी ने उसे सामान की दी थी, ठीक है, कि बेटा ये सामान घर के लिए चाहिए, जाओ इस लिस्ट में लिखा है तुम ले आओ। लेकिन फिल ने क्या किया, वो लिस्ट खा ली, ठीक है। इस वर्ड से हमने क्या याद किया, फिल एट लिस्ट, ठीक है। वो लोग जो कि स्टैम्प्स लवर होते हैं, स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं और उनकी ये हॉबी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, फिल एट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फिलैटली ब्यूरो यानी कि डाक टिकट ब्यूरो। इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलैटलिस्ट एंड स्टैम्प्स कलेक्टर्स, फिलैटली ब्यूरो आर एस्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना की गई है, ठीक है। यानी कि फिलैटली ब्यूरो क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्टैम्प्स का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन मिलेगा। और ये क्यों एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ताकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प्स कलेक्ट करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। जो जो नई स्टैम्प्स इशू होती हैं उसके बारे में नॉलेज, उसका पूरा हिस्ट्री उनको अवेलेबल कराना बड़ी क्वांटिटी में, यहाँ पे सब चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलैटली यानी कि फिलैटली के विदेशी आदेश। एग्जीक्यूटेड एट इंडियन फिलैटलिक ब्यूरो बॉम्बे GPO, यानी कि विदेशों से जब ऑर्डर आते हैं, वहाँ पे भी लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद होगा, राइट। तो वहाँ से जब बल्क में ऑर्डर आते हैं, तो विदेशों से आए हुए जो फिलैटली ऑर्डर हैं, वो भारतीय फिलैटली ब्यूरो बॉम्बे के जर्नल पोस्ट ऑफिस में निष्पादित किए जाते हैं यानी कि पूरे किए जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।